हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो सभी प्यारी डिवाइन फेमिनिन के उन सवालों पर बन रहा है जो सवाल उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर भेजे हैं, ईमेल पर भेजे हैं, कमेंट बॉक्स में भेजे हैं, तो उसी के आधार पर आज का ये वीडियो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी डिवाइन फेमिनिन है, सबसे पहले तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आज का जो ये वीडियो है सभी को रिजोनेट करे ये नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं आज जो बोलने वाली हूँ इस वीडियो में बहुत सी डिवाइन फेमिनिन को बुरा भी लग सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो रिजोनेट नहीं करता है तो उल्टे सीधे कमेंट्स करने से अच्छा है कि आप इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाए। तो जिनको भी ये वीडियो रिजोनेट नहीं करता है या कुछ बातें रिजोनेट नहीं करती हैं, तो उन डिवाइन फेमिनिन को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यहाँ पर उल्टे सीधे कमेंट्स करने से अच्छा है कि वीडियो को ठीक से समझिए, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर की उन चीज़ों को बाहर नहीं निकालते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक कोई भी बात हमारे अंदर से भीतर से हमें पूरी तरह से कम्प्लीटली पता नहीं चलती है या हम मानने से इनकार करते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद आता है तो आप इस वीडियो को इग्नोर करें और स्किप करके चले जाए। तो मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ कि बहुत से डिवाइन फेमिनिन ने मुझे सवाल किए हैं कि मैम, बहुत से मल्टीपल अफेयर्स होते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के, तो जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन के अफेयर्स होते हैं और जो डिवाइन फेमिनिन इन चीज़ों से परेशान हो चुकी है, उनके लिए ही ये वीडियो है और उनके ही सवालों के ये जवाब है। जिनको रिजोनेट करे वो पॉजिटिव वे में ले, और जिनको रिजोनेट ना करे वो अपने रास्ते खुद ढूंढे और आगे बढ़े। तो उनके इस तरह से सवाल है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन मल्टीपल अफेयर्स रख सकते हैं तो क्या हम नहीं रख सकते हैं? तो क्लियर जवाब तो ये है कि क्यों नहीं रख सकते हो, आप भी मल्टीपल अफेयर्स रख सकते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरह ही, क्योंकि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपने पकड़ के रखा हुआ है, उन्होंने आपको नहीं पकड़ के रखा हुआ है। ये जर्नी आज़ादी सिखाती है, प्रेम के राह में आपको हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए। अगर आपने आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पकड़ के रखा हुआ है तो ऑफकोर्स ऑब्वियसली आपको उनके इधर उधर जाने से या मल्टीपल अफेयर करने से आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो आपको पकड़ के रखा नहीं हुआ है। आप भी अपने मल्टीपल अकाउंट्स क्लियर कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स तो तभी क्लियर हो सकते हैं ना जब आपके अकाउंट्स क्लियर होना बाकी है। उनके मल्टीपल अकाउंट्स जो क्लियर होना बाकी है, इसलिए वो आपके आने के बाद उनके जो सरफेस पर आते हैं मल्टीपल अकाउंट्स, वो चुकता करने में लग जाते हैं। तो इसमें आपको भले ही बुरा लगे या किसी भी चीज़ का आपको सामना करना पड़ रहा है हर्टली, तो ये सब आपके अंदर के ब्लॉकेजेस है, क्योंकि प्रेम तो आज़ादी चाहता है, प्रेम हमेशा ही आज़ादी चाहता आ रहा है। और अगर किसी ने आपके ऊपर रोक टोक लगाई तो उस प्रेम से कोई भी आज़ाद ही होना चाहेगा। तो अगर उनके मल्टीपल अकाउंट्स वो क्लियर कर रहे हैं, तो अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स अगर क्लियर होना बाकी है तो यूनिवर्स आपको भी नहीं छोड़ेंगे, यूनिवर्स आपको भी काम में लगाएंगे कि हाँ, तुम्हारे ये अकाउंट्स क्लियर होना बाकी है तो आपके जीवन में कोई सोलमेट आएगा, कोई कार्मिक आएगा, या आपकी शादी नहीं हुई है तो कोई शादी के बंधन में आप बन जाओगे, या अपने हस्बैंड के साथ ना चाहते हुए भी आप रहने लगोगे, या कोई भी ऐसी चीज़ें हो जाएगी आपके साथ जो आपको ना चाहते हुए भी करनी पड़ रही हो या आप करेंगे, तो ये भी आपके कार्मिक अकाउंट से है जो आपको चुकते करने पड़ रहे हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन का ये सवाल है कि हमारे डिवाइन मैस्कुलिन मल्टीपल अफेयर्स रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते हैं? तो आपने सवाल में ही ये चीज़ बताई है कि वो रख सकते हैं, यानी यहाँ पर रखने की बात आई है, तो आपके सवाल में ही जवाब आया है कि आप रखना चाहते हो। हालांकि ऐसा नहीं होता है कि वो रख सकते हैं, क्योंकि वो उनको निभाने पड़ते हैं, उनको पूरे करने पड़ते हैं। अगर आप रखना चाहते हो, और अगर आप रखना चाहते हो तो ये अलग बात होती है कि आप रखना चाहते हो, क्योंकि आपकी चाहत रखने पर डिपेंड है। यहाँ पर आपकी आत्मा का एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है कि आप रखना चाहते हो, तो वो रख रहे हैं इसलिए हम भी रख सकते हैं। तो ये कितना कॉम्प्रोमाइज़ आप कर रहे हो ये आपकी आत्मा खुद आपको बताएगी। और रखने की अगर बात होती है तो आप अपनी मर्जी से रख सकते हो, अगर आपकी आत्मा उन चीज़ों के लिए अलाउड करती है,
क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स भी कभी आपके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाता है या ज़ोर ज़बरदस्ती कभी नहीं करता है इन चीज़ों के मामले में कि आप किसके साथ अपनी बॉडी शेयर करना चाहते हो या किसके साथ आप अपना अफेयर करना चाहते हो। तो इन चीज़ों के लिए आपकी आत्मा जब तक इंटरनली एक्सेप्ट नहीं करती है किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी कनेक्शन को, तब तक आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएगी, उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन नहीं बन पाएगा आत्मिक लेवल से कि जो आपको वो खुशी देगा। तो आपकी अंदर की अंतर आत्मा ही इस चीज़ के लिए आपको पहले ही डिनाई करती है, डिक्लाइन करती है या फिर उस प्रपोजल को रिजेक्ट करती है। चाहे आपको कितना भी अच्छा प्रपोजल क्यों ना आए, परंतु आपकी आत्मा अगर उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करती, रिजेक्ट करती है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके ऊपर कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। अगर आप एक आज़ाद सोल हो और आप अवेयर हो, तो आप खुद उन चीज़ों के लिए मना कर देते हो और उस चीज़ को करने से बेटर है आप अकेला रह सकते हो। तो ये अगर आपकी आत्मा खुद डिसाइड करती है कि मुझे ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, तो उनके करने से ना करने से आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उन्होंने किया तो मुझे भी करना चाहिए, तो ऐसा फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हाँ, इतना फ़र्क पड़ सकता है कि आप उनके लिए रोक टोक कर सकते हो कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर आपके करने की बात आती है तो आपको भी किसी ने रोका नहीं है, आप कर सकते हो। ये तो क्लियर ही आपके सामने है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कभी भी आपको इन बातों के लिए रोक टोक नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपको पूरी तरह से आज़ाद रखा है कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक तुम अपनी मर्जी से कहीं पर भी कुछ भी कर सकती हो। ये रोक टोक आपने अपने ऊपर, खुद के ऊपर लगाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपकी होनेस्टी काम करती है। और होनेस्टी का अर्थ होता है आपकी आत्मा के साथ उनका लगाव, क्योंकि जब आप आत्मिक लेवल से किसी के साथ बन जाते हो तो फिजिकल तरीके से आप किसी के साथ भी बनने से इनकार कर देते हो। परंतु जो चीज़ें उन्हें करनी ही पड़ती है, अकाउंट्स क्लियर ही करने पड़ते हैं, तब तक तो उनका रिटर्न आना भी पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको वो चीज़ें करनी ही पड़ती हैं। तो उनका ये जो करना होता है वो कभी खुशी से होता है, कभी एडजस्टमेंट के रूप में होता है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके होता है, समझौता करके होता है। तो कैसे भी उनका ये जो कार्मिक अकाउंट क्लियर होना होता है, वो कैसे भी करके इसको निपटाते हैं, चाहे उनकी इच्छा हो या ना हो। बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर मैरिड होते हैं, तो जब उनके डिवाइन मैस्कुलिन मैरिड होते हैं तो वो भी अपने वाइफ के साथ चीज़ें करते हैं, उनके साथ रहते हैं, होनेस्टली रहते हैं, खुशी से रहते हैं, कभी सेक्रीफाइस करके रहते हैं, कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके रहते हैं, कभी एडजस्टमेंट करके रहते हैं, लेकिन वो निभाते हैं चीज़ों को और करते हैं चीज़ों को, क्योंकि उन्होंने ये बात अपने जीवन से सीखी हुई होती है कि कर्म और धर्म दोनों को भी निभाओ। परंतु जब हमारी डिवाइन फेमिनिन मैरिड होती है तो वो अपने पति के साथ डिस्टेंस में रखती है अपने आप को, क्योंकि वो आत्मिक रूप से जिस तरह से अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ जुड़ी हुई होती है, तो अपने हस्बैंड को साइड में रखने की कोशिश करती है या फिर उनके साथ फिजिकली होने के लिए वो इनकार कर देती है। बहुत सी डिवाइन फेमिनिन जो मैरिड होती है वो मेरे पास सेशन के लिए आती है और मुझे ये होनेस्टली प्रॉब्लम बताती है कि मैम, जब से हमारे डिवाइन मैस्कुलिन लाइफ में आए हैं तब से हमें अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी फिजिकल होने का मन नहीं करता है, तो इसके लिए हमें कुछ बताइए। तो ऐसा क्यों होता है आपके साथ? क्योंकि आपकी आत्मा जहाँ पर होने रहना चाहती है वहीं पर आप रहते हो, लेकिन आपके डिवाइन मैस्कुलिन ना वो अपने वाइफ के साथ अन्याय करना चाहते हैं और ना डिवाइन फेमिनिन के साथ अन्याय करना चाहते हैं, वो दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन बहुत सी डिवाइन फेमिनिन इस उलझनों में पड़ी रहती है कि हमें क्या करना चाहिए मैम। तो ये आपके खुद के सवाल होते हैं और इसके जवाब भी आपके खुद के पास ही होते हैं। तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देखिए, या फिर मल्टीपल अफेयर भी वो क्यों ना रखे तो उनको भी देखिए कि वो अपनी पत्नी को कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही उनके 10-15 भी मल्टीपल अफेयर्स क्यों ना रहे, लेकिन वो अपनी पत्नी को भी वही सुख देंगे, अपने घर में भी और बाहर भी। अपने घर में भी वो अपनी पत्नी के साथ सही से रहेंगे और बाहर अपने जीअप के साथ जो भी रिलेशनशिप होते हैं उनके साथ भी वो सही तरीके से रहेंगे, या किसी को भी हर्ट करने का उनका कोई मकसद नहीं होता है। उनकी कोई इंट्यूशन ही ऐसी नहीं होती है कि किसी को हर्ट करे, चाहे वो पत्नी हो चाहे जीअप हो, दोनों को वो समांतर तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं और बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा करते हैं। तो इसमें वो आज़ादी देते हैं दोनों को भी। तो यहाँ पर अगर आप किसी के ऊपर रोक टोक लगा रहे हो, आप अगर किसी के ऊपर ये बंधन लाद रहे हो, तो आप अपने प्यार को देखिए कि आप कितना अनकंडीशनली रह रहे हो।
ना तो उन्होंने आपको कोई रोक टोक लगाई है और ना ही आपके ऊपर किसी और ने कोई रोक टोक लगाई है। तो यहाँ पर अगर आप ब्लेम करते हो अपने डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर कि वो मल्टीपल अफेयर्स रख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? तो मैंने तो क्लियर ही जवाब दिया है कि आप भी रख सकते हो अगर आपकी आत्मा उस चीज़ के लिए अलाउड करती है। तो देखिए मेरी लाइन को समझिए कि अगर आपकी आत्मा उस चीज़ को अलाउड करती है तो आप भी रख सकते हो। तो इसके ऊपर तो कोई सवाल ही नहीं उठाया जा सकता है कि अगर आपकी खुद की आत्मा अलाउड करती है, आपका खुद का अट्रैक्शन अगर किसी और की तरफ होता है, तो आप किसी को भी पूछने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। आपकी आत्मा खुद आपको जवाब देती है कि नहीं, ये पर्सन मुझे अच्छा लग रहा है, ये पर्सन मुझे भा गया है और मेरे माइंड में मेरे डिवाइन मैस्कुलिन है, फिर भी ये पर्सन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपकी आत्मा खुद आपको जवाब देगी कि आपको करना क्या चाहिए। लेकिन जब आप किसी चीज़ पर रोक टोक लगाते हो तो इसका मतलब आपने अपनी आत्मा को खुद रोक के रखा हुआ है। यहाँ पर ये बात समझने की आप कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपने अपनी आत्मा पर खुद रोक टोक लगाई हुई है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने भी नहीं लगाई है और किसी और ने भी नहीं लगाई है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जब हॉनेस्ट होते हैं, हम जब ईमानदार रहते हैं किसी के लिए, तो इसमें सामने वाले का भला नहीं होता है। हमारी होनेस्टी हमारे लिए ही बहुत बड़ी पावर होती है। हमारी होनेस्टी हमारे लिए ही बहुत बड़ी पावर बन जाती है। क्योंकि हम होनेस्ट रहते हैं तो इसका मतलब हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं। तो ये बात भी आप ध्यान से सुनिए कि जब हम होनेस्ट रहते हैं तो हम किसी के ऊपर भी कोई भी एहसान नहीं करते हैं। ये होनेस्टी हमारा खुद का स्वभाव है और इस हमारे स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारी होनेस्टी है, ये किसी और की होनेस्टी नहीं है। ये हमारे अंतर आत्मा से आई हुई हमारी ईमानदारी है कि हम इसके साथ होनेस्ट रहते हैं। तो इसमें आप किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं करते हैं, अपने भलाई के लिए आप करते हो, ये आप अपने भलाई के लिए करते हो और इसमें हमारी ही भलाई होती है। अगर आप किसी के साथ होनेस्ट रहते हो तो इसमें आपकी भलाई होती है, क्योंकि आप अपनी आत्मा के अपोजिट कुछ भी नहीं करना चाहते हो। इसका मतलब आप अपनी आत्मा से ईमानदार रहते हो। अगर डिवाइन मैस्कुलिन के मल्टीपल अफेयर होते हैं और उनका किसी के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और ऐसे दौरान अगर वो वहाँ पर कार्मिक कुछ चीज़ें करते भी हैं, तो वहाँ पर जिस भी पर्सन के साथ उनका अफेयर होता है तो उसके साथ उनकी बॉडी और आत्मा दोनों भी होते हैं, लेकिन वो अपने बॉडी से इधर और आत्मा से इधर कभी भी अपने आप को नहीं करते हैं। अगर वो किसी के साथ रहना चाहते हैं तो उस पल में उनकी बॉडी और उनकी आत्मा भी उसी इंसान के साथ रहती है जहाँ पर वो रहना चाहते हैं। तो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन इधर उधर जा रहे हैं या मल्टीपल अफेयर में रहते हैं, तो इसमें आपके ऊपर कोई फर्क पड़ता है तो ये आपके अंदर के ब्लॉकेजेस है, इसको आपको पहले सुधारना होगा। और आपको भी अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर उस पावर में आना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो भी जा रही हो तो भी आपको इन सारी चीज़ों से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के अफेयर्स या जो भी कार्मिक अकाउंट्स है वो क्लियर हो जाते हैं, तब तक आप भी आज़ाद होते हो और तब तक आपके लिए भी कोई रूल्स नहीं होते हैं, कोई कंडीशंस नहीं होते हैं जो कि आप अपने आप पर लाते हो, तो वो अलग बात होती है। तो इस बात को समझिए कि आपने अपने ऊपर रोक टोक लगाई है, आपको दुख हो रहा है, हर्ट हो रहा है, इस बात को मैं समझ सकती हूँ। तो आपको अगर हो रहा है ये चीज़ें तो अपने अनकंडीशनल लव में आ जाइए, क्योंकि ये जर्नी आपको अनकंडीशनल प्यार सिखाती है। जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन के कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाते हैं तो वो भी बॉडी और सोल से भी आपके पास आते हैं, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वो आपकी आत्मा का हिस्सा है। तब तक उन्होंने जो भी कॉम्प्रोमाइज़ किया था, एडजस्टमेंट किया था, जो भी समझौता किया था सामने वाले के साथ, या उनका कोई कार्मिक अकाउंट था, या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन था, या फिर कोई लेन देन का हिसाब था, या फिर कुछ भी उनका जो भी होता है कार्मिक डील जो होती है या डेप्स होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वो किसी भी कनेक्शन में अगर फंस जाते हैं या उन्हें डाला जाता है, तो इसमें कोई भी उनकी भूल नहीं होती है। वो अपने हिसाब से ही आपके पास आते हैं और आपको सबसे बड़ी ताकत मिली होती है इस जर्नी में, यूनिवर्स की, डिवाइन की और इनर वर्क की जो ताकत आपके पास होती है, उसको अगर आप अच्छे से करते हो तो उनके भी कार्मिक अकाउंट जल्दी जल्दी समाप्त होकर वो आपके पास आते हैं। तब तक के लिए अपने आप को ये मत समझिए
कि वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स आप भी कर सकते हो, लेकिन पहले अपनी होनेस्टी को देखिए, लेकिन पहले अपने स्वभाव को देखिए। अगर आप करना चाह सकते हो तो कर भी सकते हो। अगर आपका अट्रैक्शन जाता है किसी के साथ तो आप 100% उस पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। अगर आपका सच में कोई कार्मिक अकाउंट क्लियर होना बाकी है तो यूनिवर्स आपको भी उस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए कहते हैं, और आपके जीवन में भी ऐसे कार्मिक पार्टनर्स भी आ सकते हैं और सोलमेट भी आ सकते हैं जिनका कभी एडजस्टमेंट के रूप में, कॉम्प्रोमाइज़ के रूप में या किसी भी तरह के लेन देन के हिसाब किताब अगर चुकते होने आपसे बाकी होते हैं तो यूनिवर्स वो भी आपसे करवाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इस जर्नी को आप जिस तरह से जी रहे हो वो रूल्स आप अपनी तरफ से मत लगाइए। जो भी रूल्स है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी पॉलिसीज है इस जर्नी की, वो सब यूनिवर्स और डिवाइन आपके ऊपर लगाएंगे। आप इस जर्नी पर कोई भी रूल्स और कंडीशन, कोई भी ऐसी पॉलिसीज नहीं लगा सकते हैं। हम इस जर्नी पर अपने रूल्स नहीं लगा सकते हैं। जो कुछ भी होता है हमारे साथ इस जर्नी में स्क्रिप्टेड है। अगर हमें वो चीज़ें दिखाई जाती है तो वो करवाने के लिए भी यूनिवर्स हमें फोर्स करते हैं, हमें करवाते हैं और हमें इन सारी चीज़ों से क्लियर अवश्य करवाते हैं। इसमें यूनिवर्स हमारा ही भला चाहते हैं, डिवाइन भी हमारा भला ही चाहते हैं। इसमें उन सारी चीज़ों से आप मुक्त हो जाने लगते हो, सारी बंधनों से आप मुक्त हो जाने लगते हो और बहुत सी चीज़ें आप इस जर्नी में सीख जाते हो। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह जर्नी आपको आगे बढ़ा रही है। आपका इस जर्नी में कोई भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि यह जर्नी आपको दी ही इसलिए है कि आपकी इसमें प्रगति हो जाए, आपकी इसमें उन्नति हो जाए, आपकी आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति हो जाए और आप आगे के जन्म के लिए जो भी डिसीजन लेना चाहते हो वो आप खुद ले लें और आगे बढ़े। तो दोस्तों, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप पर्सनली सेशन बुक कर सकते हो और आपको हीलिंग, गाइडेंस और रेमेडीज़ भी दी जाती है। इनर वर्क के फाइल्स भी आपको दिए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें आप सीखते हो, एंजेलिक गाइडेंस भी आपको मिलता है, आपका और यूनिवर्स का कनेक्शन स्ट्रांग बनता है। साथ ही साथ आपको आपके गार्जियन एंजल्स के नाम भी पता चल जाते हैं। हीलिंग में, गाइडेंस में, रेमेडीज़ के तौर पर आपको बहुत सी चीज़ें मेरी तरफ से मिल जाती है इस जर्नी को आसान बनाने के लिए। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करना होता है तो वो पेड ही होते हैं। तो दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।